हेलो, आप सभी का फिर से स्वागत है टीवी फिल्म्स में। तो इस वीडियो में हम कुछ कमेंट आए हैं, जैसे इस पर एक वीडियो पर मैंने देखे थे दो तीन बार ग्राउंड और ग्रास वगैरह के, ग्राउंड और ग्रास वगैरह किस तरीके से करें, तो उस चीज़ को आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो एक और कमेंट आया था, इस वीडियो में हम दो कमेंट को कवर करने वाले हैं, एक तो ग्राउंड और ग्रास वाला और दूसरा एक रोड को किस तरीके से, जैसे गांव की जो रोड होती है उसको हम किस तरीके से बना सकते हैं। तो दोनों चीज़ें आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे, और आने वाला जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें आपको कुछ बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है, जिसमें कमेंट भी आ रहे हैं कि फुल कोर्स बनाइए कुछ करके। सबसे पहले हम तो इसमें एक ग्राउंड ले लेते हैं। जब हमें ग्राउंड क्रिएट करना है तो कस्टम में जाएंगे या टेम्पलेट में जाएंगे और यहाँ प्रॉप्स पे आएंगे, तो प्रॉप्स पहले सेलेक्ट करेंगे। सबसे पहले मैं ग्राउंड और ग्रास बनाना सिखा रहा हूँ, ठीक है। जब मान लीजिए हमने यहाँ से ग्राउंड लिया जो हमने कस्टम करा था पहले से, हाँ, तो हमने जो ग्राउंड क्रिएट करा था वो ग्राउंड हटा लेते हैं। ये हमने ग्राउंड लिया, ठीक है। अब यहाँ हमें क्या करना है, हाँ, तो अब ये जो ग्राउंड है, अब इसमें हमें ऐसे मान लीजिए ग्राउंड है और इसका कलर वगैरह, जैसे यहाँ पर वाइट आ रहा है, यहाँ पर ग्रीन आ रहा है, तो हम एक ग्रास टाइप का इसका कलर बनाने आ रहे हैं। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इससे पहले सीन में जाके इस ग्राउंड को सिलेक्ट कर लेंगे। ये अब सिलेक्ट हो गया, ठीक है, शैडो सिलेक्ट है, अभी ये सिलेक्ट हो गया। यहाँ से आप इसके जो ये कलर देख रहे हो, यहाँ से जिन्हें आप चेंज करोगे तो ये जो ग्राउंड के कलर हैं ये चेंज होते जाएंगे। जैसे मैं इस पर डबल क्लिक करूं, और जो अगर मैंने इसमें कोई फोटोज डाउनलोड कर रखी हो, इसमें कुछ मैंने अभी डाउनलोड नहीं करा है। जैसे आपको ग्रास का अगर कलर चेंज करना है तो आप यहाँ पर ला के उन्हें, हाँ, तो अब जैसे आप ये ग्राउंड देख रहे हैं, मैं जैसे यहाँ पर पूरे में घास लगानी है, जैसे अभी तो इस पर जगह कहीं जगह घास लग रही है, कहीं नहीं लग रही, तो उस चीज़ को कैसे क्रिएट करेंगे, तो उसके लिए या ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर, यहाँ से आप इस पर क्लिक करोगे। जैसे आप इसे सिलेक्ट करोगे, इसके बाद इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ से जो भी आपको इस ग्राउंड में यूज करना है कलर या कुछ भी ग्रास वगैरह, तो आप उस ग्रास को उठा के यहाँ पर पेस्ट करना है। जैसे कि मान लीजिए हमें ये वाला टेक्सचर इस पर अप्लाई करना है, तो इसे उठा के आप यहाँ पर ड्रैग कर दीजिए, ठीक है, ये पूरे में टेक्सचर आ जाएगा। आप देखिए जो पूरा कलर दिख रहा था वो इसका हो गया जगह जगह। अब आप इस जगह देख रहे हो, इस जगह देख रहे हो, तो इसके लिए दूसरे वाले पर ये जो कलर आ रहा है यहाँ से फिर से इस पर अप्लाई कर देंगे, और जगह पे ये अप्लाई हो गया। और अब ये, और आप यहाँ पर ये ग्रीन देख रहे हो, इसे और हटाना है तो तीसरे नंबर वाले को सिलेक्ट करेंगे, ये भी हट जाएगा यहाँ से। इसे फिर से आके इस पे ही हम ड्रॉ कर देंगे यहाँ पे। अब देखिए पूरा ग्राउंड एक जैसा हो गया, ठीक है। कंट्रोल जेड से बैक होते जाएंगे, ठीक है, पहले जैसा हो गया ये। फिर अब दूसरी ग्रास कैसे लगाएंगे, तो उसके लिए हम प्रॉप्स वाले सेक्शन पे जाएंगे फिर से, और वहाँ ग्रास पे क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे ग्रास पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ये तरह तरह की ग्रास आ जाएगी। अब मान लीजिए हमें इस पर पूरे में इस ग्राउंड में यहाँ पर ग्रास लगानी है, तो मान लीजिए ये वाली ग्रास लगानी है, इसमें यहाँ पे इसे पेस्ट करोगे, ठीक है। यहाँ से होम से क्लिक करोगे तो जहाँ पर भी हमने वो ग्रास लगाई है, जैसे ये वाली थी, फिर से एक बार यहाँ लगाते हैं, काफ़ी छोटी है, थोड़ी बड़ी वाली लेते हैं जिससे दिखाई दे आपको। ये थोड़ी सी और लगा देते हैं, ज़्यादा सी। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, स्टार्ट स्टार्ट गार्डिंग पे क्लिक करोगे, स्टार्ट गार्डिंग, और जितने भी आपको, जैसे अभी देखिए ये जो आइकन सा आ रहा है वो छोटा आ रहा है, अब इस पे आप जितना साइज का बड़ा करते जाओगे उतने, या इतना जगह पर
मान लीजिए इतना बड़ा कर दे तो इतनी जगह पर पेड़ लग जाएंगे, ये जो हमने घास लगाई है वो उतनी जगह पर लगेगी। और बड़ा कर लेते हैं, मान लीजिए हमने फुल कर लिया, अब यहाँ पर ये जो आप घास के जो देख रहे हो ये कम आ रहे हैं अभी, पूरे पे इसमें नहीं आ रहे, तो आप यहाँ पर जाओगे इसे और फुल कर दोगे तो पूरे में घास हो जाएगी। आप देखिए, अब आप जहाँ पर भी इसे क्लिक करते जाओगे पूरे में ग्रास लगती जाएगी। अब देखिए कहीं भी मैं क्लिक कर रहा हूँ वहाँ ग्रास लगती जा रही है। अब मान लीजिए ये मैंने यही सिलेक्ट करी है, आप अलग अलग भी, पहले हम इस ग्रास को पूरे में इस पर लगा देते हैं, जिससे ये ग्रास हमने पूरे ग्राउंड पे लगा दी। ठीक है, ये ग्रास हमने पूरे पर लगा दिया। अब हमें इसको स्टॉप, यहाँ से राइट बटन, अब इसे जैसे हमें कट करनी है तो ये जो राइट बटन है इसे क्लिक कर दोगे तो ये कट होती जाएगी। ठीक है, अब मान लीजिए हमें दूसरी कोई ये वाला ये और इसमें ऐड करनी है ग्रास, कोई सी और लगानी है, मान लीजिए ये वाली और लगानी है बीच बीच में फ्लावर, या और दूसरा ये फ्लावर वाली, ये वाली लेते हैं, ये अच्छी लगती है। इसे थोड़ा सा अगर हमें बड़ा करना है तो इसे हम अब देखिए ये हमने यहाँ पे इसका, अब देखिए पूरे में ये फ्लावर, ये हमने यहाँ से इसका साइज, एक मिनट आपको मैं दिखा देता हूँ, यहाँ से हमने ये इसका साइज बढ़ा दिया था यहाँ पर ये आके, और हमने पहले था यहाँ 50, अब हमने 100 कर दिया था, तो जितना बड़ा है उतने बड़े में अब इसका ये, अगर हमें पहले ही जैसा करना है तो फिर से हम यहाँ पर जो हमने ये बढ़ाई थी वो 50 की कर देंगे, 50, और फिर जो पहले जैसा पेड़ आ रहे थे ग्रास, उसी तरह के ये फ्लावर भी आने लगेंगे। और हमने सब क्लियर कर दिया, अब पहले जैसा हो गया, आप देखिए वही है। ठीक है, इंटेंसिटी और इसकी कम कर दोगे तो ये पेड़ पौधे और कम हो जाएंगे, इंस्टेंट सी बढ़ा दोगे तो और ज़्यादा पेड़ पौधे हो जाएंगे। ठीक है, कट करना है तो फिर से यहाँ जो कटिंग वाला ऑप्शन है ये राइट बटन क्लिक करोगे, कट करनी है तो जो कट वो आप जहाँ पर भी करोगे वो कट होता जाएगा आपका। ठीक है, ये ग्रास हमने जहाँ से कट करनी थी ये कट होगी। ठीक है, अब ये हमने एक कमेंट वाला क्लियर कर दिया, ग्रास लगाने वाला। अब दूसरा है रोड कैसे बनाते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो हम पहले इसका न्यू वो ले लेते हैं, इसे हटा देते हैं। ठीक है, फिर से प्रॉप्स में जाएंगे और वही है जो हम उसे फिर से यहाँ ओपन कर लेंगे, तो ये हमने फिर से वही ग्राउंड ले लिया। यहाँ मैं वो रोड बनाना था, तो रोड के लिए एक तो मैंने पहले से बना रखा है, अगर या डाउनलोड करना है तो डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो हम आपके सामने नॉर्मल सा बना के दिखा देते हैं, जैसे हम ऐसे लगे कि है भी मतलब रोड टाइप। तो
तो अब हम इसमें रोड क्रिएट करेंगे, तो रोड क्रिएट करने के लिए या तो आप थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं, अपने थोड़ा यूज कर सकते हैं ये वैसे, या फिर जो एक बिना यूज करने वाला है कि आप सीधा डाउनलोड कर लें, तो डाउनलोड छोड़ो, हम अपने खुद बनाएंगे रोड की ज़्यादा मतलब उस टाइप का भी नहीं बनाना कि बस हमें नॉर्मल से एक गाँव वाला रोड बनाना है। तो उसके लिए हम ये बॉक्स ले लेंगे। बॉक्स में आप क्या करोगे, इसे हम छोटा कर देंगे लाइक रोड के जितना पतला, ठीक है ले इतना, ठीक है अब हम इसे रोड के हिसाब से चौड़ा कर देंगे। अब हम मान लीजिए ये रोड लिया हमने, ये देखो अब ये हमारा रोड बन गया। एक मतलब चौड़ाई कम है तो वो हम कम ज्यादा कर सकते हैं इसकी। दूसरा काम आपको क्या करना है कि ये जो हमने जो ये बनाई है मतलब, तो रोड के हिसाब से इसका कलर भी आपको इसमें टेक्सचर अप्लाई करना पड़ेगा, तो उस हिसाब से ये रोड लगने लगेगा। मान लीजिए हम इसके अक्सर कुछ लेते हैं ग्राउंड टाइप, कुछ दैट ये वाला देखते हैं, ये तो कुछ अजीब ही लग रहा है, या तो ग्राउंड इसको हम पहले थोड़ा चेंज करके देख लेते हैं शायद सही लगे। तो उसके लिए आप यहाँ से आएंगे और इसका फ्रेम चेंज करके देख लेंगे शायद इसमें अच्छा लगे, नहीं स्प्लेंडर में, नहीं इसमें, नहीं कुछ और ही लेना पड़ेगा, ये अच्छा नहीं लग रहा है इस पर। आप बॉल वाला यूज कर सकते हैं इस पर, दीवार वाला वो अच्छा लगेगा, ये भी कर सकते हो। कई मैंने वीडियो देखे हैं उनमें यही यूज होता है, और कई कई भी कुछ, तो हम पहले इसे अब यहाँ से इस कलर को अप्लाई करके देखते हैं। तो और कलर चेंज यहाँ से कर सकते हो, जैसे मान लीजिए हमें ये कलर अप्लाई करना है, तो कुछ बना भी सकते हैं आप अपने हिसाब से कलर का। ये कलर लेते हैं, ओके करते हैं। और देखिए ये जो मेन रोड वाला कलर ज़्यादातर वीडियोस में देखा है, तो ये हमने, अब इसको मैं ऊपर से आपको एक बार ग्राउंड से अभी ऊपर से दिखाता हूँ एक बार किस तरीके का लगेगा। और हम इसे अब देखिए ये एक रोड टाइप का लग रहा है, ठीक है ये हमारा रोड बन गया। अब आपको ठीक है इस तरीके से आप रोड बना सकते हो, जैसे और बड़ा करना चाहो और बड़ा कर सकते हो, छोटा करना चाहो छोटा कर सकते हो। एक और मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने रोड बना के दिखाया भी था, उससे पहले वाले में जो घर बनाया था उसके आगे पीछे मैंने रोड भी बनाया था, और उसमें भी शायद मैंने यही टेक्सचर कलर अप्लाई करा था, बाउंड्री वगैरह तो मैंने आपको बता ही दिया। और मैं जो अब नेक्स्ट वीडियो करूँगा उसमें आपको एक बड़ा सा सरप्राइज दूंगा जिसमें कुछ आप अच्छा सीखेंगे, ठीक है। अब फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, अगर और भी कुछ आपके कमेंट हो तो उन्हें आप कमेंट में पूछ सकते हो कमेंट करके, ठीक है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।